नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 के क्वेश्चन नंबर 2 में आपका स्वागत है। यहाँ पर क्वेश्चन है, आकृति को देख करके निम्नलिखित को लिखिए। यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है, इसको देख करके हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन बहुत इजी है और टफ नहीं है, ये समझना है। यहाँ पर बी के निर्देशांक, बी का निर्देशांक कहाँ से, देखिए एक तो ये आ गया और इसमें पहला नंबर आ जाते कि माइनस का होता है, दूसरा नंबर प्लस का होता है, तो यहाँ से हम कहा जाएंगे माइनस फाइव टू। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर जाएगा वो -5.2 जाएगा। ठीक है जी, बहुत ईजी है। सी का निर्देशांक सी ये है, पहला नंबर प्लस का होगा, प्लस में कौन आएगा 5, और दूसरा नंबर माइनस का होता है, +5 -5। यहाँ पर आप लिख देंगे +5 और -5, प्लस का लगाना कोई ज़रूरी नहीं है साइन। यहाँ पर निर्देशांक -3 -5, देखिए -3 -5 कहाँ मिलता है, माइनस के दोनों नंबर थर्ड क्वाड्रेंट मिलते हैं, तो यहाँ पर -3 ये है और -5 ए है और उसे बिंदु ई से, तो यहाँ पर जो बिंदु आएगा वो क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, निर्देशांक 2, पहला नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का, फोर्थ में जाएगा, तो ये 2 आ गया और ये -4 आ गया, इसका बिंदु कौन सा है, जी है, तो इस बिंदु पर आप क्या लिख देंगे, जी बिंदु। बिंदु डी का भुज, देखिए पहला नंबर जो होता है वो भुज होता है और दूसरा नंबर कोटि का जाता है। ठीक है, अब डी कहाँ पर है, डी यहाँ पर है, 6 और 2, तो जो भुज होगा वो 6 होगा। ठीक है, कोटि 2 जाएगा। एच, एच बिंदु है, एच ये है और एच पर भुज -5 होगा, कोटि -3, दूसरा नंबर है ना -3 पर आएगा, तो यहाँ पर -3 ये हो जाएगा। एल के निर्देशांक, एल का निर्देशांक क्या है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा, 0 और 5। ठीक है जी, एम, एम कहाँ पर है, एम ढूंढिए, एम ये है, तो 0, -3 क्या हो जाएगा, 0, लेकिन यहाँ पर -3 ये आएगा, -3 एंड 0, एक्स एक्सिस पर -3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3, 0। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, बहुत आसान सा है, बिंदु को देखना है, बिंदुओं को देखते हुए हमें अपना आंसर देना है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, कोई डिवाइड नहीं है, कोई एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं है, बस केवल आपको समझना है कि किस क्वाड्रेंट में क्या नंबर मिलता है, कौन से साइन आते हैं, उस साइन के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को करें। ठीक, आप अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।